बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी यानी PIA की तरफ से, CEA की तरफ से एक और नोटिस जो फॉरेन एयरलाइंस हैं उनको इशू कर दिया गया, जो कैंसलेशन फ़्लाइट्स थी, जो कैंसिल की गई थी फ़्लाइट, उस हवाले से एक और नोटिस जारी किया गया है। इस न्यूज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने टिकट भी बुक करा लिए थे, तो उनकी रिकवरी भी करेंगे और इसका मसला भी हल करवाएंगे। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, एक प्रेस रिलीज़ हो चुका है, CEA की तरफ से बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इस नोटिफिकेशन में ये दोस्तों बताया जा रहा है कि इट हैज़ बीन सीरियसली नोट दैट ए ह्यूज नंबर ऑफ पैसेंजर हैव बीन अफेक्टेड बाई फ्लाइट कैंसलेशन ऑफ योर एयरलाइन टू पाकिस्तान इन द रिसेंट वीक, कीपिंग इन व्यू द इम्पोजिशन ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन रिस्ट्रिक्शन। ओके, तो इसको आपने यार मुकम्मल रीड करना है आराम तसली से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ लें। दोस्तों, इस न्यूज़ के मुताबिक बताया जा रहा है कि तमाम लोग जिन्होंने यूरोप, इंग्लैंड, मतलब कहीं से भी पाकिस्तान आना था, और आपको पता है कि 8 जुलाई को गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख हो गई थी और पाकिस्तानियों को काफ़ी मुश्किल का सामना पेश करना पड़ा, जिसमें कतर एयरवेज, तुर्क एयरवेज, अमारात एयरलाइन, इतिहाद एयरवेज और फ्लाई दुबई को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इन एयरलाइन पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए इजाज़त और परवाज़ें और रिहाइश सहूलत यकीनी बनाने का भी वादा किया गया था। अब उस वादे को पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पूरा करना जा रही है, और सिविल एविएशन अथॉरिटी कहा है कि 8 जुलाई भी गुजर गई है, कोई मसला हल ना हो सका, तो अब इन्होंने नोटिस जारी किया है कि तमाम टिकटें वापस करें या फ़्लाइट्स को बहाल करें। अब देखना ये दोस्तों कि ये टिकट कैंसलेशन बुकिंग करते हैं या फिर फ़्लाइट्स को बहाल करते हैं, क्योंकि ईद करीब आ रही है और हमारे काफ़ी सारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो फंसे हुए हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि इस बार सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एक्शन होगा, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का होगा, और कोई ना कोई एक काम तो होगा ही सही, या तो आप ईद पाकिस्तान करेंगे या फिर आप ईद जहां पर हैं वहीं मनाएंगे। हमारी तो कोशिश यही है कि आप ईद अपने वतन बनाएं, अपने बच्चों के साथ मनाएं। आने वाली अपडेट्स क्या होंगी, फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर इस न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं तसल्ली से, बिल्कुल नोटिस है अपने पास सेव रखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन से पिकअप करें और रीड कर लें। अल्लाह हाफिज़।